सो इस पेंडेमिक के टाइम में स्टील बर्ड लेके आ चुका है अपनी फेस शील्ड। और इस फेस शील्ड में एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि इसमें आपको दो इनबिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी मदद से कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं और अपनी कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट से शुरुआत करें तो यहाँ पर एस सच कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो आपको बॉक्स में नहीं मिलती है, बस यहाँ पर थोड़ी सी एमआरपी और मॉडल नंबर के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी एस सच आपको इसके बॉक्स में ऐसी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती है आपकी फेस शील्ड, और फेस शील्ड के साथ आपको यहाँ पर एक ये मिलता है ऑक्स केबल। तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह की ये फेस शील्ड मिलती है। सामने की तरफ वाइजर में यहाँ पर एक स्टिकर लगा है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले इस स्टिकर को निकाल लेना है, तभी आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ये एक ऑक्स केबल भी मिलती है जिसके थ्रू कि आप अपने फ़ोन को अपने फेस शील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सॉन्ग्स वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं आराम से। तो आपको यहाँ पर एक कुछ इस तरह की ये एक ऑक्स केबल देखने को मिलती है जो कि आपकी फेस शील्ड में यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक ये मल्टीफंक्शन बटन भी आपको मिलता है। अब वैसे कंफर्ट की बात करें तो ये फेस शील्ड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी पैडिंग मिलती है, और इस पैडिंग की वजह से जो ये फेस शील्ड है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट आपको देती है। और इस पैडिंग की ही वजह से जो ग्रिप है इस फेस शील्ड की आपके हेड के साथ वो भी बहुत अच्छी बनती है। अब जितना भी अपना सिर हिला ले ये फेस शील्ड अपनी जगह से नहीं हिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे ये जो पैडिंग है ये कोई ग्लू से अटैच नहीं है इस फेस शील्ड में, आप इस पैडिंग को आराम से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टील बट के हेलमेट्स में जो पैडिंग है उसे रिमूव करते हैं, वैसे ही आप बड़े आराम से इसे खींच कर रिमूव कर सकते हैं, और कभी आपको धोना हो तो आप इसकी पैडिंग धो भी सकते हैं बड़ी आराम से। और वैसे जब आप इसे शुरू शुरू में पहनेंगे इस फेस शील्ड को तो आपको थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल सी लगेगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कुछ ऐसी नई चीज़ ट्राई करते हैं तो आपको उसकी हैबिट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप फिर रेगुलरली इसे कुछ दिनों तक पहनेंगे तो धीरे धीरे आपको उसकी हैबिट हो जाएगी और ये फेस शील्ड आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगेगी। और वैसे यहाँ पर आपको पीछे ये इलास्टिक भी मिल जाता है इस फेस शील्ड को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। इस बकल को यूज़ करके आप आराम से इस फेस शील्ड को अपने हेड के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी ईजी है इस बकल के थ्रू इसे एडजस्ट करना। आप इस फेस शील्ड को पहनकर अपने आप ही अपने हाथों से काफ़ी आसानी से इसे अपने हेड के साइज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब थोड़ी नज़र डालते हैं इसके यूनिक फीचर में, जो कि ये है कि आपको इसमें दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और इन स्पीकर्स के थ्रू आप अपनी कॉल्स अटेंड कर सकते हैं और सॉन्ग्स वगैरह भी सुन सकते हैं। और इसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं एक ऑक्स केबल के थ्रू, और ऑक्स केबल आपको इसके बॉक्स में मिलेगी, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, तो ऑक्स केबल आपको इसके बॉक्स में मिल जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर एक मल्टीफंक्शन बटन भी देखने को मिलता है, और इस बटन को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो आप सॉन्ग को प्ले या पॉज कर सकते हैं, और डबल प्रेस करने पे आप नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, ट्रिपल प्रेस करने पर आप प्रीवियस ट्रैक पर जा सकते हैं, और प्रेस एंड होल्ड करके रखने से आप गूगल असिस्टेंट को यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हैं। और जब आपको कोई कॉल आता है तो आप इसी बटन को सिंगल प्रेस करके कॉल को पिक कर सकते हैं, और जब आप कॉल पे होते हैं तो उस टाइम पे आप इस बटन को सिंगल प्रेस करके अपने माइक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और वहीं आप कॉल पे रहते रहते इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप कॉल को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बटन को ऐड करके स्टील बर्ड ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये जो बटन है मल्टीफंक्शन बटन ये काफ़ी यूज़फुल है, और जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके इसे यूज़ करेंगे तो ये बटन आपको बहुत काम आएगा। और आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वाइजर मिलता है, और इस वाइज़र के थ्रू विजन काफ़ी क्लियर है, और ये एक स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइज़र है, और ये वही वाइज़र है जो कि आपको स्टील बर्ड के हेलमेट्स में भी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वाइज़र की बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वाइज़र, और स्टील बर्ड के हेलमेट्स में भी यही वाइज़र यूज़ होता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको वाइज़र यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे इससे मैंने अपनी कॉल्स वगैरह भी अटेंड करके देखा और मुझे इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, मुझे कॉल पर वॉइस काफ़ी क्लियरली और काफ़ी लाउड सुनाई दे रही थी। और अगर आप पब्लिक प्लेसेस में भी अगर इसे यूज़ करेंगे कॉल्स करने के लिए तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और फ़ोन के अदर साइड पर जो पर्सन था उसे भी मेरी वॉइस काफ़ी क्लियर सुनाई दे रही थी। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक कॉल क्वालिटी सैंपल सुना देता हूँ। तो अभी जो आप सैंपल सुन रहे हैं वो इस फेस शील्ड के माइक के थ्रू सुन पा रहे हैं, और वैसे मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया था कि इस शील्ड में माइक कहाँ पर है, पर मुझे मिला नहीं कि इस शील्ड में माइक कहाँ पर है। पर जो ऑडियो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी आती है, आप सुन भी पा रहे होंगे आपको कि आपको किस तरह की ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर सुनने को मिलती है।
अब साउंड की भी बात कर ले तो मुझे इसका साउंड काफ़ी अच्छा लगा है। इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस शील्ड में लगे स्पीकर का साउंड इतना अच्छा होगा, पर इसका साउंड मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसमें सॉन्ग सुने और वेब सीरीज़ और मूवीज़ वगैरह भी देखने का ट्राई किया तो मुझे काफ़ी मज़ा आया है। और डेफिनेटली मैं इसका साउंड किसी ईयरफोन या हेडफोन से तो कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ईयरफोन और हेडफोन तो मेनली साउंड को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किए जाते हैं, और इस शील्ड को डिज़ाइन किया है मेनली आपको वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्पीकर वाला फीचर है इसमें, ये बस एक आइसिंग ऑन द केक जैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है स्टीलबर्ड की तरफ से कि उन्होंने आपके शील्ड में आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा है, तो मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ इस इनोवेशन को। तो यहाँ पर सॉन्ग भी आप काफ़ी मज़े से सुन सकते हैं, और अगर आप वेब सीरीज मूवी वगैरह भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और वैसे बेस भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है, बेस काफ़ी पंची भी है तो मुझे बेस में भी काफ़ी मज़ा आया। और वैसे गेमिंग भी मैंने इसमें करके देखा तो गेमिंग में भी मुझे काफ़ी मज़ा आया था। बस ये बात थी कि जो लेफ़्ट और राइट से कहाँ से फुटस्टेप आ रहे, कहाँ से बुलेट का साउंड आ रहा है, ये थोड़ा सा अंदाज़ा इसमें लगाना पड़ा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी मज़ा आया। और आपको अगर जैसे गेमिंग करना से कभी आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं बोर हो रहे हैं तो आप गेमिंग भी इसमें कर सकते हैं। वैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसमें एक वायरलेस कनेक्शन का भी ऑप्शन होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि ये है कि आप इस तरह का एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर ले सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता ये, अराउंड 250-300 रुपीज़ तक में आपको अच्छा खासा एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर देखने को मिल जाएगा। मेरे पास जो ये है इसकी भी मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको इस ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर को इसके 3.5 mm जैक में प्लग इन कर देना है, और फिर सिंपली आपको अपना फ़ोन इस ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर से कनेक्ट कर लेना है, और फिर आप काफ़ी आराम से अपने सॉन्ग्स वगैरह भी सुन सकते हैं और कॉल वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया था, मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई, काफ़ी ईजिली मैं इसके थ्रू अपनी शील्ड में सॉन्ग सुन पा रहा था और कॉल्स वगैरह भी अटेंड कर पा रहा था। तो अगर आप ऐसा वायरलेस कनेक्शन चाहते हैं तो आप फिर ऐसा एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर बाय कर सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे यहाँ पर इस ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर को यूज़ करके कैसा साउंड आता है इसका भी एक मैं सैंपल आपको सुना देता हूँ। और अगर आप इस ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर यूज करके कॉल पर भी बात करेंगे तो उसका भी एक सैंपल मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर के थ्रू कॉल पे बात होने पर सुन रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी सुनने को मिलेगी जब आप इस ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर को लगाकर किसी पर किसी के साथ कॉल पे बात करेंगे। तो अब मैं वर्डिक्ट पर आ जाऊं तो ये एक काफी अच्छी फेस शील्ड है और काफी इनोवेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको वायरस से प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान तो रखा गया है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ये फीचर काफ़ी यूजफुल है क्योंकि आप शील्ड को पहनकर ही आराम से अपनी कॉल वगैरह पर भी बात कर सकते हैं, और साथ ही में अपनी वेब सीरीज मूवीज़ और अगर सॉन्ग सुनना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आप इस फेस शील्ड को लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसे परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इनोवेटिव फेस शील्ड है और ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।